हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिडियोमाइकोटिना के सामान्य लक्षणों के बारे में जानेंगे। पिछली क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैस्टिगोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना के क्लासिफिकेशन और इनके सामान्य लक्षणों के बारे में जाना था। क्लासिफिकेशन जो है हम इसका बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिडियोमाइकोटिना है क्या। बेसिडियोमाइकोटिना जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है वनजाई का, जिसमें लगभग 25,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक साइंटिस्ट थे जोसेफ हेनरी लेविल, जिन्होंने की इसकी स्थापना की थी और इसमें विशेष प्रकार की बीजाणुधानियों की खोज की थी। और इसके अंतर्गत जो फंजाई आती हैं उनका सामान्य नाम जो है वो मशरूम्स, आप सब जने जानते हो। इसके अंदर खाने वाली वेराइटीज़ भी पाई जाती हैं, इसके अलावा इसके अंदर पॉइजनस भी होती हैं बहुत सारी वेराइटी। तो मशरूम्स जो है बहुत सारी वेराइटियाँ इसकी खाई जाती हैं और प्रोटीन से रिच सोर्स होता है ये। इसके अलावा स्मट और रस्ट फंजाई, स्मट का मतलब होता है तारकोल की तरह काले रंग से, और रस्ट का मतलब होती है जैसे कि लोहे में जंग लग जाने के कारण रंग होता है, उसी के कारण जो है इसका नाम भी यहाँ पर रस्ट पड़ा है, लोहे में जंग लग जाता है। उसी तरह से फंगस के स्पोर्स जो होते हैं ब्राउन कलर के दिखाई देने लगे तो उसको हम रस्ट फंजाई कहते हैं। अगर फंजाई में तारकोल के या चारकोल के समान जो है वो काले रंग के स्पोर्स बनते हैं तो उसको हम स्मट फंजाई कहते हैं, और अगर हमें छतरियाँ दिखाई देती हैं तो उसको हम मशरूम्स कहते हैं। कई बार बर्ड्स की जो घोंसला होता है उस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको कि बर्ड्स नेस्ट फंजाई कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि तने पर बरसात के मौसम में आपको जो है वो छाते ब्रैकेट के समान लगे हुए दिखाई देते हैं जिनको कि ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। इसी तरह से टोड स्टोल्स भी होते हैं। कई तरह की बेसिडियोमाइकोटिना की फंजाई है जिनके कि अलग अलग सामान्य लक्षण और सामान्य नाम हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके अंदर जो है आपके मशरूम्स हैं और रस्ट और स्मट फंजाई के बारे में है। बाकी नेस्ट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, टोड स्टोल्स, ये सब हम आगे जब MSc का कोर्स करते हैं तब हमें इनको पढ़ना पड़ता है। अब हम इसके सामान्य लक्षणों के बारे में जानेंगे कि बेसिडियोमाइकोटिना के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना जो है ये सर्वव्यापी, सब जगह पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो है मुख्यतः क्या होता है ये शाखित तंतुओं से बना हुआ होता है जिनको कि सेप्टेट हाइफी कहा जाता है। और ये जो है तंतु जो है अत्यधिक शाखित होकर एक माइसीलियम का निर्माण करते हैं, और इन तंतुओं में विशेष प्रकार के पट पाए जाते हैं जिनको कि डोलियोपोर सेप्टम कहते हैं। ये डोलियोपोर सेप्टम क्या होते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी इनका डायग्राम भी हम आगे देखेंगे, अभी केवल हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं इसके। इन कवकों में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन प्रकार के माइसीलियम पाए जाते हैं। अभी तक हमने कहीं ऐसा नहीं पाया गया, हमने ऐसा अभी तक नहीं देखा एस्कोमाइकोटिना में या मैस्टिगोमाइकोटिना में कि तीन तरह के माइसीलियम होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम और टर्शरी माइसीलियम। ये इसकी बेसिडियोमाइकोटिना की खास बात है कि इसमें तीन प्रकार के माइसीलियम या कवक जाल पाए जाते हैं। प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम और टर्शरी माइसीलियम के अंदर जो है कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं? प्राइमरी माइसीलियम जो होता है उसमें हैप्लोइड एन प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सेकेंडरी जो होता है उसमें N+N होते हैं, और टर्शरी में 2N प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है। अधिकांश सदस्यों में द्वितीयक जाल जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो कैसे बनते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है जिसको कि क्लैंप कनेक्शंस कहते हैं। तो ये एक खास चीज़ जो कि डोलियोपोर सेप्टम है या क्लैंप कनेक्शंस मैंने बताया पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये इसकी खास लक्षण है इसके बेसिडियोमाइकोटिना सब डिविज़न के। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम इसके रिप्रोडक्शन में फिर हमें पता चलता है कि इसमें भी अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन इसके अंदर जो है कोनिडिया के द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा या ओइडिया के द्वारा होता है।
जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मेस्टिगोमाइकोटीना और एस्कोमाइकोटीना के कंपैरिजन में सेक्स ऑर्गन्स का थोड़ा सा रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, लैंगिक अंगों का अभाव होता है। तो जैसे जैसे हम फंजाई में आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिडक्शन होता है, क्योंकि सेक्स अंगों का जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं, ह्रास होने लगता है, और यहाँ पर तो पाए ही नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि लैंगिक अंगों का अभाव होता है। इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लाज्मोगैमी एक प्रक्रिया होती है, जिसको कि कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या मतलब, क्या होता है कि दो फिलामेंट्स जो होते हैं उनका कोशिका द्रव्य आपस में मिलता है, प्लाज्मा मिलता है उनका आपस में, तो ये जो है प्लाज्मोगैमी कहलाती है, या इसको सोमेटोगैमी भी कहा जा सकता है, क्योंकि सोमेटिक कोशिकाओं के अंदर ये होता है। कई बार ये अचल जीवाणु पुमणुओं के द्वारा भी होता है, अचल बीजाणुओं के द्वारा भी होता है, इसको स्पर्मेटाइजेशन भी कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात जिस तरह से हमने एस्कोमाइकोटीना में पढ़ा था कि एस्कोकार्प बनता है, यहाँ हम बेसिडियोमाइकोटीना पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है बेसिडियोकार्प बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प, जो इस समूह की मुख्य लक्षण है। लेकिन कुछ सदस्यों के अंदर बेसिडियोकार्प, जैसे रस्ट फंजाई है, स्मट फंजाई है, इनमें बेसिडियोकार्प नहीं पाया जाता है। और बेसिडियम जो होते हैं, ये बेसिडियम लैंगिक जनन के फलस्वरूप बेसिडियोकार्प के अंदर के ऊपर क्या लगते हैं, बेसिडियम, जिनमें कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बाहर की ओर, हर एक बेसिडियम के बाहर की ओर स्पोर्स पाए जाते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। जबकि हमने क्या पढ़ा था, एस्कस के अंदर पाए जाते हैं एस्को स्पोर्स। यहाँ हम बेसिडियो माइकोटीना में क्या पढ़ रहे हैं, बेसिडियम के बाहर बनते हैं चार एस्को स्पोर्स की जगह, सॉरी चार एस्को स्पोर्स ना बनकर चार बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। जबकि एस्को माइकोटीना में हमने पढ़ा था कि 8 एस्को स्पोर्स बनते हैं, और वो कहाँ बनते हैं, एस्कस के अंदर। तो यह इसका मुख्य लक्षण है, बेसिडियोकार्प बनना या बेसिडियम बनना या एक्सोजीनस बाहर जात बेसिडियो स्पोर्स का बनना। इसके बाद में बात आती है कि ये आवास जो है सर्वव्यापी होते हैं, हमने कहा, लेकिन ये जो होते हैं मृत जीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं। तो परजीवी के रूप में जो है स्मट और रस्ट फंजाई जो है ये परजीवी पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती है, और बहुत सारी इसमें मृदा के ऊपर, गली सड़ी पत्तियों के ऊपर, मृत पदार्थों के ऊपर जो पाई जाती है वो फंजाई जो है वुड रोट का काम करती है, माइकोराइजा फंजाई है, लाइकेन में सहजीवी के रूप में पाई जाती है, और मशरूम्स जो है वो मृदा के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि सेप्रोफिटिक के रूप में, परजीवी के रूप में ना होकर सेप्रोफाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये फंजाई का आवास के आधार पर ये परजीवी भी हो सकते हैं, मृतजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं। सहजीवी का उदाहरण आपके माइकोराइजा और लाइकेन है। लाइकेन आपने पहले भी पढ़ाया है आपको, तो इसमें एस्को माइकोटीना या बेसिडियो माइकोटीना की फंजाई एल्गी के साथ में सहजीवी के रूप में रहती है। माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या होता है कि बड़े जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वहाँ पर फंगस जो होती है वो रूट की तरह उपस्थित होती है, तो उसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहा जाता है। तो इस तरह से ये फंजाई का आवास है। अब हम जो है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कायिक संरचना के बारे में। तो कायिक संरचना के अंदर, इसके अंदर मैंने बताया इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी माइसीलियम बनते हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी माइसीलियम जो होते हैं, इसके फिलामेंटस फंजाई होती है, कैसे ये बनते हैं, प्राइमरी माइसीलियम कैसे बनता है। तो प्राइमरी माइसीलियम जो होता है, मैंने बताया कि बेसिडियम के अंदर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, और ये बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप। इसलिए बेसिडियो स्पोर्स कैसे होते हैं, ये अगुणित प्रकार के होते हैं। तो ये अगुणित बेसिडियो स्पोर्स जब जर्मिनेट होता है तो इससे जो कोशिकाएं, जर्मिनेट से जो कोशिकाएं बनती हैं वो पटयुक्त तथा एक केंद्रकीय होती हैं, और इससे जो थ्रेड बनता है या जो तंतु बनता है ये जो है ये प्राइमरी माइसीलियम को पैदा करता है।
तो अगुणित अवस्था में होता है प्राइमरी माइसीलियम, मैंने बताया था पहले भी आपको। तो ये जो है एक प्राइमरी माइसीलियम जो है, आप रस्ट फंजाई आपके सिलेबस में है, एक पक्सीनिया फंजाई, पक्सीनिया को पहले भी पढ़ चुके हो आप। पक्सीनिया से रस्ट डिजीज़ होती है वीट के अंदर, उसको पूरा पढ़ा दिया गया है आपको। तो ये पक्सीनिया का जो माइसीलियम जो कि पिकनीडियम के अंदर बनता है, या पिकनीडियम के ऊपर जो स्पोर्स आते हैं, बेसिडियो स्पोर्स जो कि पिकनीडियम बनाते हैं, उसके अंदर जो माइसीलियम होता है, ये अगुणित प्रकार का माइसीलियम ही होता है। ये आपको पढ़ा चुके हैं सेकेंडरी माइसीलियम। तो सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है, ये प्राइमरी माइसीलियम या बेसिडियो स्पोर्स के फ्यूज़न के द्वारा बनता है। तो प्राइमरी माइसीलियम जो है, ये जो है पिकनीडियम बताया मैंने कि पक्सीनिया में बनता है, तो इस पिकनीडियम के अंदर जो पिकनीडियो स्पोर्स बनते हैं, ये पिकनीडियो स्पोर्स जो होते हैं, ये जो है आपस में मिलकर फ्यूज़ होकर जो है ये सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। बेसिडियो माइकोटीना में फिर इसके बाद टर्शरी माइसीलियम का निर्माण होता है। तो टर्शरी माइसीलियम में जो सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर N+N प्रकार के दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं, ये जो है फ्यूज़ हो जाते हैं। और इसके बाद में जो है ये बेसिडियो कार्प के अंदर भी जो है इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और ये द्वितीयक जाल जो है बाद में बनने के पश्चात में जो है ये एक फ्रूटिंग बॉडी में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कि बेसिडियो कार्प कहते हैं। तो इस तरह से ये जटिल संरचनाएं टर्शरी माइसीलियम जो है, कई बार जटिल संरचनाएं बेसिडियो कार्प बनाता है, और कई बार ये ऐसे ही रह जाता है और बेसिडियो कार्प ना बनाकर दूसरे स्पोर्ट्स बनाता है, और फिर ये जो है यूरिडो स्पोर्ट्स टेल्यूटो स्पोर्ट्स बनाता है, जो कि आपने पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में पढ़े थे। तो ये जो टर्शरी माइसीलियम है, टेल्यूटोस्पोर्स बनने से पहले तक जो है ये टर्शरी माइसीलियम जो है ये नहीं पाया जाता है, ये N+N अवस्था में ही पाया जाता है। क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन जो होते हैं, ये डायग्राम है, मैंने भी कहा था कि ये इसकी खासियत है कि इसके अंदर क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो टर्मिनल सेल होती है, इसके अंदर दो तरह के केंद्रक आप देख रहे हो, एक्स और वाई, ठीक है। तो जो एक्स और वाई जो दो तरह के केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों उस सेल के ऊपर की ओर एक हुक जैसी संरचना बन रही है। बी डायग्राम को आप देखिए, फिर क्या होता है कि दो केंद्रकों में से एक केंद्रक जो है इस हुक में चला गया, फिर दोनों केंद्रक एनलार्ज हो गए और दोनों के दो दो टुकड़े हो गए, जो कि हुक में गया और जो कि हुक के बाहर पड़ा था, ठीक है। दोनों के दो दो टुकड़े हो गए, फिर वो जो हुक जैसी संरचना आपको दिख रही थी पहले, वो थोड़ी और बड़ी होकर, थोड़ी और आगे बढ़कर वापस से नीचे की ओर सेल से चिपक गई। ई डायग्राम देखिए आप। इसके बाद क्या होता है कि हुक के अंदर जो केंद्रक था, जो केंद्रक था हुक के अंदर जो एनलार्ज हुआ था, वो जो है अकेला उसके अंदर रह जाता है, और जो सेल के अंदर केंद्रक पड़ा था उसका एक भाग जो है वो टर्मिनल साइड पे चला गया और एक भाग जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ रह गया, और जो हुक के अंदर जो एनलार्ज केंद्रक हुआ था उसका एक पोर्शन तो हुक में है, दूसरा पोर्शन आप देखो कि टर्मिनल साइड की ओर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको तीन सेट दिखाई देंगे, एक तो हुक के अंदर, एक जो सेल है उसके टर्मिनल साइड पे दो केंद्रक पड़े हुए, और एक केंद्रक आपको पीछे की तरफ पड़ा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद क्या होता है कि इसमें दो सेप्टा बनते हैं, एक तो हुक को जो है टर्मिनल सेल से अलग करता है, और टर्मिनल सेल को पीछे वाली सेल से अलग करते हुए दो सेप्टा इसके अंदर बने, और जो हुक जहाँ से सेल से जुड़ रहा है वहाँ पर से हुक की वॉल डिसॉल्व हो गई और हुक का केंद्रक पीछे वाली सेल में आके मिल गया। अब दोनों केंद्र सेल कोशिकाओं के अंदर दो दो केंद्रक उपस्थित हो गए। तो इस तरह से क्लैंप के निर्माण के द्वारा जो है ये कोशिकाएं जो हैं क्लैंप
क्लैंप कनेक्शन के द्वारा जो है इसके अंदर केंद्रकों का आदान प्रदान हुआ और डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हुआ, क्लैंप के निर्माण के द्वारा। अब मैंने कहा था कि इसमें डोलियोपोर सेप्टम पाए जाते हैं। डोलियोपोर सेप्टम जो है बेसिडियो माइकोटीना की खास बात है। बेसिडियो माइकोटीना में पट्ट की संरचना अन्य समूहों में पाए जाने वाले पट्टों की तुलना में बहुत जटिल होती है। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें कोष्ठक के आकार की संरचना बीच में दिखाई दे रही है और उधर आपको लिखा हुआ सेंटर में दिखाई दे रहा है पोर, और उसके पोर के पीछे की ओर आपको कोष्ठक दिखाई है जिस पे लिखा है सेप्टम, और सेप्टम के ऊपर और नीचे की ओर आपको फिर से कोष्ठक जैसे डैश डैश दिखाई दे रहे हैं, पेरेंथोसोम लिखा है उनके ऊपर, और दोनों साइड में आपको फंगस के हाइफा दिखाई दे रहे हैं। तो डोलियोपोर छिद्र की पट की उपस्थिति इस समूह की विशेष पहचान है। यह एक केंद्र की व द्वि केंद्र की कवक जाल दोनों में ही उपस्थित होती है। मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक जो इसका जाल होता है कवक जाल, उनमें दोनों में ही डोलियोपोर सेप्टम उपस्थित हो सकता है। इस पट के केंद्र में 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर चौड़ा छिद्र होता है जो चारों ओर से वल्याकार बैरल शेप ढोलक के आकार के पटों से घिरा हुआ होता है। इन पटों में दोनों ओर पोर गैप कैप पाई जाती है जो पेरेंथोसोम भी कहलाती है। क्या जो है ब्रैकेट के बाहर की ओर ऊपर और नीचे आपको डैश डैश दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है पोर कैप, और ये जो ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है सेप्टम, पोर के सेप्टम है, पट है, और पट को ढकने के लिए इसमें कैप लगी हुई होती है चारों तरफ से, जिसको कि पेरेंथोसोम कहते हैं। पेरेंथोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है और इसमें राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया आदि इनमें से होकर एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में जा सकते हैं। इसमें से एक इसका ऑर्डर है टीलियोमाइसिटीज। जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेसिडियो माइकोटीना का, तो हम पढ़ेंगे कि इसका एक ऑर्डर है टीलियोमाइसिटीज, जिसमें कि डोलियोपोर सेप्टम नहीं पाया जाता। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में क्लैंप कनेक्शन पर या डोलियोपोर सेगमेंटेशन पर नोट आ जाता है, तो इसको जो है बक्कल शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्लैंप कनेक्शंस जो होते हैं, और ये जो है विशेष संरचना है जिसमें कि जो है इससे डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है ये तैयार हो रहा है, इसमें डाइकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो बन रही हैं। ओके, नेक्स्ट हम जो है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।